दोस्तों, ये वीडियो आपको एक कंप्लीट रोड मैप देगा कैसे आप अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली, मतलब सर्च इंजन को भी पसंद आनी चाहिए, और कैसे आप उसको यूज़र फ्रेंडली, मतलब ऑडियंस को भी वो वेबसाइट पसंद आनी चाहिए, ज़्यादा देर वो रुके, कैसे बना सकते हो आप एक ऐसी वेबसाइट। तो वही टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज और हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसका पूरा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज दोस्तों आप कितनी भी मेहनत एसईओ में कर लो, अगर आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली और यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो कभी रिजल्ट्स नहीं आने वाले जो आप चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी से वेबसाइट बनवा भी रहे हैं या खुद से बनवा रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट इसका मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपकमिंग वीडियोज़ और कोर्सेज मिस ना करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हम आपके लिए एक महाबंडल कोर्स लेकर आए हैं जिसके अंदर 50 से भी ज़्यादा डिजिटल और टेक्निकल स्किल्स हैं, कोर्सेज हैं, वो भी लेटेस्ट विद हाई इनकम अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों इससे लोग लर्न अर्न दोनों कर पा रहे हैं, तो आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाएं और अच्छे से एक्सप्लोर करें और आज से अपनी लर्निंग अर्निंग शुरू करें। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड मैप टू मेक एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। एक एसईओ ऑप्टिमाइज एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट ना आपकी हेल्प करती है जल्दी रैंकिंग में, बट आपका यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा करती है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं एक यूजर फ्रेंडली एसईओ ऑप्टिमाइज वेबसाइट बनाने में, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जब भी कोई आप वेबसाइट बनाते हैं तो उस सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको एक क्लियर गोल सेट करना है। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे, एसईओ ऑप्टिमाइज वेबसाइट बनाएंगे और जो कि यूजर फ्रेंडली हो, तो आपको दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी, जो है केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। आपको प्लानिंग चाहिए होगा और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपका ऑडियंस क्लियर होना चाहिए और आपका गोल भी क्लियर होना चाहिए कि आप ये वेबसाइट किस लिए बना रहे हो, क्यों बना रहे हो और आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। तो आपके बहुत सारे गोल हो सकते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करना है, कन्वर्जन्स बूस्ट करना है या इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस भी करना है। तो आपके बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं छोटे छोटे, वो आपको डिफाइन करने हैं और कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, वो आपका फुल प्लान होना चाहिए विद क्लियर गोल। जो सेकंड नंबर, जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिफाइन योर वेबसाइट पर्पस एंड ऑडियंस। तो क्लियरली आपको ये चीज समझना होगा कि आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो उसका पर्पस क्या है और उसका ऑडियंस आपको आइडेंटिफाई करना होगा स्टार्टिंग में ही, कि आप ये वेबसाइट के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बना रहे हो। अगर आप, एग्जांपल के लिए यहाँ मैं बात करता हूँ, अगर आप फिटनेस ब्लॉग बना रहे हो तो आपका फिटनेस ब्लॉग का पर्पस क्या है, कि आप वर्कआउट टिप्स दोगे या न्यूट्रिशन एडवाइस दोगे जो लोग फिटनेस फिट रहना चाहते हैं। आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्लान योर वेबसाइट स्ट्रक्चर। तो आपकी वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका साइलो स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, आपको ड्रॉ आउट करना होगा कि स्ट्रक्चर लाइक किस तरह हो सकता है। अगर आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फिटनेस ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है, जैसे कि वर्कआउट रूटीन्स, न्यूट्रिशन टिप्स एंड प्रोडक्ट रिव्यूज। तो आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपको उसमें कैटेगरीज फाइंड आउट करनी होंगी और उनको इम्प्लीमेंट करना होगा और उनको शोकेस करना होगा। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है, चूज एन एप्रोप्रिएट डोमेन नेम। तो जो भी आपका बिजनेस है प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो मेक श्योर जो भी आप डोमेन नेम बाय करेंगे वो इजी टू रिमेम्बर हो और रेलिवेंट टू योर साइट हो। आपको काफी लंबा या बहुत बड़ा डोमेन नेम बाय नहीं करना है, आपको ट्राई करने की आप जितना शॉर्ट हो सके और इजी टू रिमेम्बर हो लोगों को, वो डोमेन आपको बाय करना है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिटनेस ब्लॉग का। अगर आपने कोई फिटनेस ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं और आपको नाम क्लिक कर गया फिट लाइफ टिप्स,
तो कोशिश ये करिए कि आप वो डोमेन जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिए, जैसे कि fitlifetips.com। तो डोमेन नेम बहुत जरूरी है और डोमेन बहुत अट्रैक्टिव और यूनिक लो, ज्यादा लंबा डोमेन नेम लेने से अवॉइड करो। और आपको होस्टिंग भी बहुत अच्छी फाइंड आउट करनी होगी, तो आप होस्टिंग भी रिलायबल करो जिसका अप टाइम अच्छा हो और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। तो बहुत सारी कंपनीज हैं लाइक ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड, होस्ट गेटर, होस्टिंगर, गोडैडी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी होस्टिंग ले सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिजाइन अ यूजर फ्रेंडली लेआउट। तो जब भी आप कोई वेबसाइट ड्रॉ करोगे या बनाने जाओगे, तो मेक श्योर आपको एक क्लीन और इंट्यूटिव लेआउट विद इजी नेविगेशन रखना होगा। आपकी वेबसाइट का जितना इजी नेविगेशन होगा, उतना यूजर फ्रेंडली होगी वेबसाइट, और उतना यूजर आपकी वेबसाइट पे लॉन्ग टाइम तक स्टे करने की पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, तो टॉप साइड में आपकी वेबसाइट का होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट, सर्विस और अदर इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हो सकते हैं। और फुटर सेक्शन में आप अदर पेजेस या अदर जो भी सेक्शन है वो आप ऐड कर सकते हो। तो जो आपका लेआउट होना चाहिए, लुक होना चाहिए, वो एकदम क्लियर और विद इजी नेविगेशन हो। और जब भी आप कोई थीम डालोगे अपनी वेबसाइट में, इंसर्ट करोगे, और मेक श्योर आप अपना वेबसाइट पर अट्रैक्टिव अपीलिंग थीम डालें जो कि अट्रैक्टिव हो। तो जितना अच्छा अट्रैक्टिव थीम आप यूज करोगे विजुअलाइज वे में, उतना अच्छा यूजर को अट्रैक्ट करेगी और यूजर आपकी वेबसाइट पर ज्यादा स्टे करेगा। तो अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप एस्ट्रा, डब्ल्यूपी ओशन, जनरेट प्रेस और भी बहुत सारी पॉपुलर थीम है जो आपको क्लीन और यूजर फ्रेंडली डिजाइन ऑफर करती हैं। आप अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे मोबाइल यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नेस नहीं होगी तो वो रैंक नहीं करेगी। तो गूगल आज के टाइम पे मोबाइल रिस्पॉन्सिव और मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट को रैंक करने में प्रेफरेंस देता है। अगर आपकी मोबाइल पे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप वो थीम या वो लेआउट यूज करें जो मोबाइल पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए अलग अलग स्क्रीन पे, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव हो और उसको मोबाइल पे रैंक करने में या मोबाइल में ओपन होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। तो मेक श्योर आपको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पे भी ध्यान देना है। अब बात हम कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। तो जो भी आप कंटेंट बनाओगे वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में एक थॉट है, कंटेंट इज किंग। तो जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा, सॉलिड कंटेंट होगा, यूजर की हेल्प करेगा। यहाँ पे हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करे और उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। तो हमेशा आपको इंगेजिंग कंटेंट बनाना है जो कि आपकी ऑडियंस को उस डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करे। यहाँ मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। तो अगर आप एक फिटनेस आर्टिकल या ब्लॉग लिख रहे हो, तो आप एक्शनेबल टिप्स भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, 10 इफेक्टिव वर्कआउट फॉर बिल्डिंग मसल्स। तो यहाँ पे आप क्या है, यूजर को या जो भी रीडर होगा उसको आप टिप्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो मेक श्योर ये एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट लिखो, जहाँ से ज्यादा आप है ना टिप्स प्रोवाइड करने की कोशिश करो, और ज्यादा से ज्यादा इमेज यूज करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो यूज करो, जिससे कि यूजर को यहाँ पे लगेगा कि ये एक हाई क्वालिटी कंटेंट है। आपको लो क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है। आपका कंटेंट जितना हाई क्वालिटी होगा, यूजर आपकी वेबसाइट पे उतनी देर स्टे करेगा, और जितनी देर स्टे करेगा आपका एवरेज टाइम बहुत तो उससे क्या होगा, उससे गूगल को सिग्नल जाएगा कि आपकी वेबसाइट का किसी भी पर्टिकुलर पेज का ये कंटेंट बहुत यूनिक है, जिस वजह से यूजर स्टे कर रहा है। तो वो आपकी वेबसाइट के उस पर्टिकुलर वेब पेज को या ब्लॉग को हाई रैंकिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो एक इमेज का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप प्रॉपर इमेज यहाँ पे प्रॉपर इमेज अगर आप यहाँ पे
यूज करते हो तो मेक श्योर आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, लोडिंग अच्छी सी होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आप इमेज यूज करोगे मेक श्योर उसका प्रॉपर आप एसईओ करोगे, उसका बैकएंड में प्रॉपर नेमिंग करोगे, जिससे कि गूगल को इजी रहेगा समझने में कि ये इमेज किस बारे में है। और आपको ज्यादा हैवी इमेज यूज नहीं करनी है, आपको कंप्रेस करके इमेज यूज करनी है, जिससे कि लोडिंग टाइम में कोई डिफरेंस ना आए या लोडिंग टाइम डिले ना हो। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो फिटनेस के ऊपर तो मेक श्योर आप यहाँ उस इमेज को थोड़ा कंप्रेस करके एड ऑन करें विद प्रॉपर उसका ऑल टेक्स्ट, जो भी इमेज का नेम है वो प्रॉपर ऑल टेक्स्ट में मेंशन होना चाहिए, जिससे कि आपका इमेज का एसईओ प्रॉपर हो और लोडिंग स्पीड पे भी इम्पेक्ट ना पड़े। तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंट कॉल टू एक्शंस। तो जो भी आप वेबसाइट बनाते हो मेक श्योर उसका प्रॉपर कॉल टू एक्शन वाला बटन भी होना चाहिए। तो एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं तो आपको एक बटन ऐड करना है गेट स्टार्टेड ऑन योर होम पेज पे, जिससे कि इनकरेज कर सकते हो आप यूजर्स को कोई भी फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। तो जब भी आप होम पेज डिजाइन करोगे तो मेक श्योर आपको वहां पे कॉल टू एक्शन भी देना होगा यूजर को, कि आपका यूजर अगर लैंडिंग पेज या होम पेज पे लैंड करता है उसके बाद उसको क्या करना है। अगर आप कोई प्रोग्राम ऑफर कर रहे हो या सर्विस ऑफर कर रहे हो तो मेक श्योर वो वहां पे इजीली ज्वाइन कर सके। तो आपको प्रॉपर एक कॉल टू एक्शन बटन देना होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंश्योर फास्ट पेज लोडिंग स्पीड। तो अगर आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो बट अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपर ओपन नहीं हो रही है या डिले हो रही है, लोडिंग टाइम देर से ओपन हो रही है, तो वो सब बेकार है, बिकॉज गूगल अगर गूगल उस वेबसाइट को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देता जो काफी देर से खुल रही हो। और गूगल सिर्फ उस वेबसाइट को प्रेफरेंस देगा या रैंकिंग देगा जो जल्दी ओपन हो रही है, जिसका लोडिंग टाइम बिल्कुल बहुत कम हो। तो मेक श्योर अगर आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बेहतर होगा, लोडिंग टाइम बहुत अच्छा होगा, तो आपके चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट स्मूथली रन करेगी और यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। तो आप अपनी वेबसाइट का पेज स्पीड या लोडिंग टाइम देख सकते हो जीटी मैट्रिक्स और गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स पे। आप ये चीज आसानी से देख सकते हो और उस चीज को फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, टेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। तो आपको कंटिन्यूसली टेस्ट करना है आपकी वेबसाइट के यूजेबिलिटी के बारे में, और कुछ इम्प्रूवमेंट भी टाइम टू टाइम करने हैं। आपको पर्टिकुलर वेब पेज का एक्सेस करना है और मोबाइल पे लैपटॉप पे देखना है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आप अपने वेबसाइट को रिव्यू भी करा सकते हो अपने फ्रेंड से, कलीग से, और उनसे पूछ सकते हो कि आपकी वेबसाइट कैसी लग रही है, और अगर कुछ प्रॉब्लम उनको लग रही है तो वो प्रॉपर जेन्युइन आपको फीडबैक दें, या जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो आप नेविगेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, और जो भी फीडबैक है उस पर आपको काम करना होगा। कोई भी वेबसाइट होती है तो वहां प्रॉपर आपको एक क्या देना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका कोई यूजर आपसे डायरेक्टली कन्वर्जेशन करना चाहता है या आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो मेक श्योर आप एक अलग से पेज क्रिएट करें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का, और वहां पे क्लियर मेंशन होना चाहिए आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जिससे कि वो आपसे कोऑर्डिनेट कर सके और प्रोडक्ट सर्विस या कोई भी सजेशंस या फीडबैक आपको दे सके। तो किसी भी वेबसाइट के लिए सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा तो मेक श्योर आप फ्रॉम द फर्स्ट डे आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योर वेबसाइट नहीं होगी तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करने में प्रेफरेंस नहीं देगा। गूगल हमेशा डाटा सिक्योरिटी और यूजर प्रोटेक्शन पे हमेशा फोकस करता है। तो मेक श्योर आप अपनी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगाएं, सिक्योरिटी लॉक लगाएं, जिससे कि गूगल का ट्रस्ट आप पे बना रहेगा, यूजर का ट्रस्ट आप पे बना रहेगा। तो अगर आप सिक्योरिटी मेजर्स भी ध्यान रखना है, तो अगर आपकी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप वर्डफेंस,
और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो सिक्योरिटी प्लगइन्स हैं, वो आप यूज कर सकते हो, जो कि आपकी हेल्प करते हैं, आपकी वेबसाइट को हैक होने से बचाते हैं। तो वेबसाइट का हैकिंग से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंस आपको ध्यान में रखना है कि वो मेरी वेबसाइट हैक ना हो, उसके सिक्योरिटी मेजर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको मॉनिटर करना होगा कि उस वेबसाइट का क्या परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो उसको आपको रीएनालाइज करना होगा, उस पे आपको देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि उस वेबसाइट में पर्टिकुलर यूजर बिहेवियर क्या है, या किस तरह के लोग या यूजर आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज आप गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके कीवर्ड की पोजीशंस क्या है। तो आप इजीली जो भी आप काम करते हो उसको ट्रैक करो प्रॉपर, तब आपको सही आइडिया लगेगा कि आप सही से काम कर रहे हो या नहीं। तो जो भी यहाँ पे आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो तो किस पर्टिकुलर ब्लॉग पेज पे यूजर ज्यादा देर स्टे कर रहा है और किस पर्टिकुलर ब्लॉग पेज पे यूजर कम देर स्टे कर रहा है। तो जिस ब्लॉग पेज पे यूजर कम देर स्पेंड कर रहा है तो वो आपको वहां पे इम्प्रूवमेंट या रिव्यू की जरूरत है कि यूजर इस पर्टिकुलर वेब पेज पे क्यों बहुत जल्दी एग्जिट हो रहा है, तो वो आपको वहां पे कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ आपको रेगुलरली कंटेंट अपडेट करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी वेबसाइट है आपको कंटेंट रेगुलरली डालना पड़ेगा, एक फ्रेश कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको अगर वर्कआउट करना है या कुछ भी करना है तो उसको डेली फूड की नेसेसिटी है, सेम उसी तरह किसी भी वेबसाइट के लिए कंटेंट बहुत जरूरी है। तो आपको डेली कंटेंट अपडेट करना है और टाइम टू टाइम कंटेंट अपडेट करना है, जिससे कि यूजर एंगेजमेंट आपकी वेबसाइट पे बना रहे और आपकी वेबसाइट कंटिन्यूअसली ट्रैफिक गेन करती रहे। आपको कंटेंट प्लान करना है और उसके अकॉर्डिंग रेगुलरली कंटेंट अपडेट करना है, अपने वेबसाइट पे रेगुलर ब्लॉग ऐड करने हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक सस्टेन करता रहे लॉन्ग टर्म तक। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गेट फीडबैक एंड इटरेट। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्विस या ब्लॉग का बारे में लिख रहे हो या ऑफर कर रहे हो तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है कि आपका जो कंटेंट है या प्रोडक्ट है, सर्विस है, किस तरह यूजर को इम्पैक्ट कर रही है, उसका बेनिफिशियल क्या है। तो आप जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर कर रहे हो तो आप सर्वे के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा पोल कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसएसएल सर्टिफिकेट। तो मेक श्योर आपकी जो भी वेबसाइट है आपको एसएसएल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर आपका वेबसाइट सिक्योर होगा, एसएसएल सर्टिफिकेट होगा, तो इट विल हेल्प और इम्प्रूव करेगा आपका एसईओ रैंकिंग में, बिकॉज गूगल उस वेबसाइट को प्रेफरेंस देगा जिसके वेबसाइट सिक्योर होगी और इन कंपैरिजन ऑफ जिस पर्सन की वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी। तो मेक श्योर आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अवॉइड करना चाहिए ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स। आपको ऐसी कोई अनएथिकल एसईओ प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, लाइक कीवर्ड स्टफिंग, ब्लॉकिंग और लिंक स्कीम, जो कि आपकी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करे। अगर आप ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक यूज करते हो तो आपकी वेबसाइट लेटर और सूनर इम्पैक्ट होगी और गूगल आपकी वेबसाइट डाउन कर देगा। तो कभी भी आप वेबसाइट बनाते हो तो गूगल की जो वेब मास्टर गाइडलाइन है उसको फॉलो करके वेबसाइट आप बनाइए, कंटेंट आप बनाइए और बैकलिंक्स जो भी तरीके हैं वो आप क्वालिटी बैकलिंक बनाइए। आपको अवॉइड करने हैं ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स, ब्लैक हैट एसईओ आपको अवॉइड करना है। अगर आप इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो आपकी वेबसाइट इजीली एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली बनेगी और जिससे कि आपका यूजर इंगेजमेंट बढ़ेगा और यूजर आपकी वेबसाइट पे काफी देर तक स्टे करेगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं,
या आप हमारा महाबंडल कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, हमारे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल डिजिटल मार्केटिंग नीड्स। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।